तो पिछले एपिसोड में मू चेन ने लियू यांग के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम मू रिल्म का सीन देखते हैं, जहां पर जो मू फेंग से बताता है कि लियू रिल्म के वजह से बॉर्डर पर हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं और इसी बात का बदला लेने के लिए वो इनसे इनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन इस पर मू फेंग कहता है कि अभी इसके लिए सही समय नहीं है और इस तरह से वो इसे इसके लिए मना भी कर देता है। इसके बाद वो जोई से कहता है कि लियू रिल्म अभी हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। तब इस पर जोई कहता है कि लियू चिंगटियान जो लियू रिल्म का करंट लॉर्ड है, उसके पास में भी आपके ही जैसे डिवाइन सोल लेवल वाली पावर है, लेकिन असल में मू फेंग इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। और फिर जोई से कहता है कि मेरा बेटा मू चेन अभी तक घर वापस नहीं आया, और तभी हम देखते हैं कि इसी वक्त मू चेन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसको देखते ही उसके फादर मू फेंग काफी खुश हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अंकल जोई मू चेन से उसके प्रैक्टिस के बारे में पूछता है, जिसके बाद मू चेन भी अपने प्रैक्टिस के रिजल्ट को इनको दिखाता है और इसे देखते ही वे सब काफी खुश हो गए थे, क्योंकि मू चेन अभी स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के अर्ली स्टेज में पहुंच गया था। तभी मू चेन इनसे बताता है कि आने वाले एग्जाम में लियू यांग के साथ में मेरी फाइट होने वाली है और अगर मैंने इतने समय में किसी स्पिरिचुअल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया तब मुझे डर है कि शायद मैं उसके सामने हार जाऊंगा। तब इसके बारे में सुनकर जोई और मू फेंग दोनों ही काफी चिंतित हो जाते हैं और मू फेंग को ऐसा लगता है कि लियू चिंगटियान कुछ करने वाला है और इसीलिए वो समझ जाते हैं कि मू चेन को अब किसी तरह से ताकतवर बनाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मू चेन के फादर उसे एक जगह पर लेकर आते हैं जहां पर बहुत सारे स्पिरिचुअल आर्ट रखे हुए थे। तभी मू चेन के फादर उसे बताते हैं कि एक स्पिरिचुअल आर्ट डिवाइन स्पिरिचुअल और मॉर्टल कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है और इसके बाद इसमें से हर एक कैटेगरी को फिर से टॉप मिडिल और लोअर लेवल में डिवाइडेड किया जाता है। तभी इसी बीच मू चेन को यहाँ पर फ्लेम ड्रैगन आर्ट दिखाई देता है और वो इसे देखते ही अपने फादर से इसके बारे में पूछता है। तब इस पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने इसे पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और जब मू चेन के फादर ने फ्लेम ड्रैगन आर्ट को प्रैक्टिस किया था तब उसी के बाद से इनको ड्रैगन फ्लेमिकल का स्प्रिट मिला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मू चेन इसे चूज ना करके वहाँ के बगल वाले जगह पर आ जाता है और वो यहाँ पर रखे स्पिरिचुअल आर्ट को बड़े ध्यान से देख रहा था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि इसके अंदर से उसके मदर की आवाज सुनाई देती है। अब इस बात के वजह से मू चेन हैरान हो गया होता है और वो इसी ग्रेट बुद्धा आर्ट को प्रैक्टिस करने का डिसाइड कर लेता है। याद एक मू चेन के फादर उसे बताते हैं कि इस स्पिरिचुअल आर्ट के पास में कोई भी रैंक नहीं है और इसीलिए वो मू चेन से कोई दूसरा सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं। तब इस पर मू चेन कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसे चूज नहीं किया तब इसके वजह से मुझे पछताना पड़ेगा। यह सुनकर मू चेन के फादर मू चेन की मदर को याद करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मू चेन तो सच में तुम्हारा ही बेटा है। तब उनकी बात सुनकर मू चेन उनसे पूछता है कि आखिर यह स्पिरिचुअल आर्ट आया कहाँ से है, जिसके बाद उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर इसे तुम्हारे लिए ही छोड़कर गई थी। तब इसके बारे में सुनकर मू चेन भी अपनी मदर के बारे में याद करने लगा था और फिर अपने फादर से पूछता है कि मेरी मदर गई कहाँ पर थी और आखिर इस वक्त वो है कहाँ पर। तब इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी मदर के साथ में जो हुआ था वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसीलिए मैं इसके बारे में तुम्हें अभी बताकर मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता। जिसके बाद मू चेन उदास होते हुए कहता है कि क्या मेरी ही वजह से मेरी मदर इस जगह को छोड़कर गई थी। लेकिन इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी मदर इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करती थी और यहाँ तक कि वो तुम्हारे लिए किसी भी चीज को छोड़ने के लिए रेडी थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि मू चेन के फादर काफी उदास हो गए थे और फिर कहते हैं कि मैं ही यूजलेस हूँ क्योंकि मैं ही तुम्हारे मदर को तुम्हारे साथ में रखने के लिए पूरी तरह से फेल हो गया। तब इस पर मू चेन अपने फादर से पूछता है कि क्या आप भी उनको मिस करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर हाँ में उसे जवाब देते हैं। तब इस पर मू चेन अपने फादर से कहता है कि मैं अपने मदर को किसी न किसी दिन जरूर खोजूंगा और उसके बाद फिर हमारे फैमिली को एक होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर उसके फादर भी खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर तुमने ग्रेट बुद्धा आर्ट को चूज कर लिया है तब इसके लिए तुम्हें अपना पूरा मन लगाकर इसे प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि यह चीज तुम्हारी मदर यहाँ पर छोड़कर गई थी। इसीलिए मू चेन के फादर उससे कहते हैं कि जब तुम एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाओगे तब उसके बाद तुम्हें खुद इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मू चेन द ग्रेट बुद्धा आर्ट को प्रैक्टिस करने लगा था जहाँ पर वो इसे प्रैक्टिस करते हुए सी ऑफ जी में पहुंच जाता है और इसी के साथ उसने स्पिरिचुअल पावर के फर्स्ट थ्रेड को भी बहुत ही आसानी से गेन कर लिया था। लेकिन तभी अचानक से वो थ्रेड इसके बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस बात से हैरान होते हुए मू चेन कहता है कि आखिर ये अग्रेसिव क्यों होने लगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे किसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहता था और फिर कहता है कि मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि मैंने अपने फादर और लूली से जो प्रॉमिस किया है मैं उसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहता हूँ। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से इसे प्रैक्टिस करने में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू यांग के हाथ में स्प्रिट डिस्ट्रक्शन बीड होती है और फिर वो मोबाइल से कहता है कि मेरे फादर ने इसे मुझे क्यों दिया और क्या मैं उनके नजरों में इतना ज्यादा बेकार हूँ। तब इस पर मोबाइल उससे कहता है कि यह बीड इतनी ज्यादा पावरफुल है जो कि स्पिरिचुअल रिंग लेवल वाले को भी बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर देगी, लेकिन कल तुम्हें होने वाले एग्जाम में किसी भी कंडीशन में जीतना होगा। तब इसके बारे में सुनकर लियू यांग भी इसके लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मू चेन भी द ग्रेट बुद्धा आर्ट के प्रैक्टिस में बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्रेस कर रहा था और फिर वो कहता है कि
कि मैं तो अभी केवल इसके बेस के थ्रेशोल्ड तक पहुंच पाया हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं स्पिरिचुअल पावर के ताकत को फील कर सकता हूं। इसीलिए वो कहता है कि मेरे मदर के द्वारा दी गई यह आर्ट सच में बहुत कमाल की है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके पावर को एक पत्थर के ऊपर टेस्ट भी करता है, लेकिन अब इसके फादर और जोई भी यहाँ पर आ गए थे और उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर तुम कल के एग्जाम में पास हो गए तब उसके बाद तुम्हें नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी के हेवन में प्रमोट कर दिया जाएगा और उसके बाद से तुम 5 ग्रेट एकेडमीज के लिए कॉम्पीट करने के लिए भी क्वालिफाई हो जाओगे। तब इसके बारे में सुनकर मुचेन अपने फादर से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं इसमें बहुत ही आसानी से पास हो जाऊंगा। लेकिन तभी उसके फादर उससे कहते हैं कि मेरे साथ में फाइट करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, क्योंकि इस तरह से तुम रियल बैटल में स्पिरिचुअल पावर को यूज करने के बारे में जान पाओगे। यह सुनकर मुचेन अपने फादर से कहता है कि आप तो डिवाइन सोल लेवल पर है जबकि मैं तो अभी केवल स्पिरिचुअल मूवमेंट के लेवल पर हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके फादर अपने ड्रैगन फ्लेम ईगल स्प्रिट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर मुचेन से बताते हैं कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं बल्कि ड्रैगन फ्लेम ईगल स्प्रिट होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वे इसके पावर को स्पिरिचुअल मूवमेंट के लेवल तक ही सीमित कर देते हैं और इसीलिए मुचेन अगर केवल इसके 3 अटैक से खुद को बचाने में कामयाब हो गया तब इसका मतलब होगा कि वो लियू यांग को भी बहुत आसानी से हरा देगा। यह सुनकर मुचेन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर उसके फादर भी तुरंत ईगल स्प्रिट के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके दौरान हम देखते हैं कि मुचेन ने तो इसके अटैक से खुद को बचा लिया था और ईगल स्प्रिट जैसे ही फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है मुचेन भी अपने जगह से जंप लगाकर खुद को इसके अटैक से बचा लेता है। अब इस तरह से इसने ईगल स्प्रिट के 2 अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और तभी अचानक से ईगल स्प्रिट फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यह देखते ही मुचेन भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके फादर ईगल स्प्रिट के पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसे देखते ही जोई को मुचेन के बारे में चिंता होने लगती है। तब इस पर मुचेन के फादर कहते हैं कि उसका दुश्मन कभी भी उसके ऊपर दया नहीं दिखाएगा और इसी वजह से उसे इसके लिए तैयार होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचेन अभी भी इसके अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन वो इसके सामने किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था और इसीलिए वो इसी समय अपने बेस को ब्रेक थ्रू करने का डिसाइड कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगा था और इस तरह से वो ईगल स्प्रिट के पावर को बहुत ही आसानी से हरा देता है। यह देख मुचेन के फादर अपने ईगल स्प्रिट को अपने पास बुला लेते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके बढ़े हुए स्पिरिचुअल पावर को देख हैरान हो गए थे और फिर मुचेन के फादर कहते हैं कि मुझे लगता है उसने इसी बैटल में कुछ नया सीख लिया है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग एग्जाम के लिए आ गए थे लेकिन मुचेन किसी वजह से अभी तक यहाँ पर नहीं आया था, इसीलिए लियू यांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुचेन डर गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेंग चियान को भी मुचेन के बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन तभी यहाँ पर मुबाई भी आ जाता है और उसके साथ में एक ब्यूटीफुल लेडी भी होती है। इसके अलावा डिन सियाओ भी दोनों मास्टर के साथ में यहाँ पर आ गए थे और इनसे कहते हैं कि तुम्हें तो रूल के बारे में पता ही होगा, लेकिन क्योंकि यह केवल एकेडमी के बीच में होने वाला कॉम्पिटिशन है जिसके वजह से इसमें कोई भी किसी को मारने की कोशिश नहीं करेगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यह एग्जाम शुरू हो गया था, इसलिए लियू यांग इसमें बिना देरी किए एरिना में आ जाता है और कहने लगता है कि मुचेन अभी तक कहां पर है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि चियांग सन काफी परेशान हो गया था, क्योंकि अगर मुचेन ने यहां पर आकर लियू यांग के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तब इसके वजह से वो इस बैटल में हार जाएगा। इसीलिए चियांग सन इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि अगर तुम मुचेन को चैलेंज करना चाहते हो तब इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा। तब इस पर लियू यांग कहता है कि इस एकेडमी में ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे चैलेंज कर सके। तब इसके बारे में सुनकर वो इसे अपने स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल वाले ताकत को दिखाता है, जिसे देखते ही बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि उन्होंने इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है जहां पर लियू यांग इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चियांग सन इसके सामने हार नहीं मानना चाहता था और वो अपने माउंटेन फिस्ट का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि लियू यांग भी चिंग सन को बहुत ही शानदार टक्कर देने लगा था, जिस बात के वजह से वेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट काफी हैरान होने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू यांग चिंग सन के ऊपर भारी पड़ने लगता है और वो इसे पीट कर यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिंग सन इसके सामने हार नहीं मानना चाहता था और कहता है कि जब तक मुचेन यहाँ पर नहीं आ जाता मुझे किसी भी तरह से इसके सामने रहना होगा। लेकिन अब इस तरह से लियू यांग पीट कर इसे और भी बुरे तरीके से जख्मी कर देता है और फिर उससे पूछता है कि क्या आप तुम अपनी हार मानना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेंग चियान को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी, लेकिन चिंग सन अभी भी इसके सामने अपनी हार नहीं मानता, जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू यांग अपने फ्लेम वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। लेकिन तभी मुचेन यहाँ पर आकर इसके अटैक को रोक लेता है। अब इसे यहाँ पर देख चिंग सन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और फिर मुचेन उससे कहता है कि तुमने उसके साथ में इस तरीके से फाइट करके बहुत ही अच्छा काम किया है, जिस पर चिंग सन उससे कहता है कि इस बार तो उसे मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया लेकिन अगली बार उसे मैं खुद हराऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी फाइट अब मुचेन से होने वाली होती है, जिसके लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड
एक्साइटेड हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी, जहां लियु यांग मुचेन के ऊपर अटैक करने की अपनी लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन मुचेन भी इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियु यांग गुस्से में मुचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मुचेन इसके अटैक से खुद को बचाकर इसके पीछे हिट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियु यांग अब गुस्से में यहाँ पर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने फ्लेम पंप का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मुचेन भी इसके सामने इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था और वो भी इसके सामने अपने पावर का यूज करके इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियु यांग अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए मुचेन भी अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को यूज करने के लिए रेडी हो गया था। अब इस तरह से इनको पता चलता है कि मुचेन स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के मिडिल स्टेज में पहुंच गया है। तभी लियु यांग फिर से अपने फ्लेम पंप का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि मुचेन भी अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट के पावर का यूज करके इसे रोकने लगा था और अब इस तरह से इनके बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार मुकाबला होने लगा था। लेकिन इसके बाद मुचेन जैसे ही इसके ऊपर अपने और ज्यादा पावर का यूज करता है, इसके मदद से वो लियु यांग के फ्लेम पंप को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि इसने लियु यांग को भी बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियु यांग फिर से इसके सामने खड़ा हो गया था और वो मुचेन को मारने के लिए स्प्रिट डिस्ट्रक्शन बीट के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब इसे देखते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और मुबाय कहने लगता है कि लियु यांग तो सच में स्टूपिड है, क्योंकि उसे यहाँ पर इसका यूज नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुचेन इसे इसके पावर का यूज नहीं करने देता और वो बहुत ही आसानी से इसे अपने हाथ में ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि मुबाय भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और इस तरीके से वो मुचेन के हाथों से लियु यांग को बचा लेता है। इसके बाद वो मुचेन से कहता है कि लियु यांग थोड़ा सा लापरवाह है और इसीलिए वो उसे स्पीड को वापस करने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि मुचेन इसे वापस करने के लिए रेडी नहीं होता और अब इसके वजह से इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। लेकिन तभी मास्टर मो भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो स्प्रिट डिस्ट्रक्शन बीट को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गए थे और लियु यांग पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुमने यहाँ पर इसका यूज कैसे कर दिया, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है जो कि स्पिरिचुअल रिंग लेवल वाले को भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर देगा। तभी हम देखते हैं कि रिन सियाओ भी यहाँ पर आ जाते हैं और मुबाय इनके सामने लियु यांग के गलती के लिए माफी मांगने लगता है। लेकिन इस पर मुचेन कहता है कि नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में इसके लिए रूल बने हैं और अगर उसने इसके रूल को तोड़ा है तब इसके हिसाब से उसे पनिशमेंट देना चाहिए। यह सुनकर रिन सियाओ मास्टर मो से इसके रूल के बारे में पूछते हैं, जिस पर मास्टर मो कहते हैं कि इसके लिए लियु यांग को हेवन में प्रमोट होने से रोक दिया जाएगा। तभी इस पर मास्टर सी कहता है कि अगर हमने इसके साथ में ऐसा किया तब इसके वजह से वो फाइव ग्रेट एकेडमीज के लिए कम्पीट नहीं कर पाएगा, जबकि वैसे ही हमारे पास में इसके लिए बहुत ही कम लोग हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके फादर के बारे में भी बात करने लगा था, जो इसके बारे में पता चलने पर काफी गुस्सा हो जाएगा। लेकिन रिन सियाओ को किसी के फादर के बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो मुचेन से पूछते हैं कि तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो। तब इस पर मुचेन कहता है कि लियु यांग अगर इस बीट को मुझे दे दे तब इसके बदले मैं उसे माफ कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुबाय इसके लिए मान जाता है और अब इस तरह से इनके बीच का यह मैटर सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुबाय मुचेन को थैंक यू बोलकर उससे हाथ मिलाता है, लेकिन असल में वे दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर काफी गुस्सा थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस एग्जाम को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें मुचेन, चिंगसन और बाकी लोग हेवन के लिए एडवांस हो गए थे। वहीं अगले सीन में हम लियु मिंग को देखते हैं, जहां पर उसके आदमी आकर उसे बताते हैं कि ब्लड स्लॉटर नॉर्थन स्पिरिचुअल प्लेन में आकर छुपा हुआ है, जिसके बारे में सुनकर लियु मिंग अपने लोगों के साथ यहाँ से आगे जाने लगा था। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके भी जरूर बताना।